दोस्तों सभी भाइयों को जय हिंद। और हमारा एक चीता फिर आ गया है आपके सामने, आपको देखने को मिलेगा। हमारा भाई नाम है विशाल यादव। आपको पता है कि अगर आप मेहनत ईमानदारी से कहते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो आपको सफलता जरूर मिलती है, फील्ड कौन सा भी हो। हमारा जो भाई है आपके सामने वर्दी पहन के खड़ा है, बहुत लटका है इस ग्राउंड पर, बहुत पसीना बहाया और कभी कभी तो खून भी निकल आया। खून कब निकला? जब गिर गए हो। गिरने के बाद जो लड़का उठ के दौड़ जाता है, मैं उसी दिन बोल देता हूँ कि आपकी दौड़ पक्की हो और आपको वर्दी पक्के में मिलेगी। तो एक बार हमारे भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने और अपने माता पिता के और साथ ही साथ हमारे सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो पहले तो अपनी मेहनत से मत भटकिए। अगर आप अपनी मेहनत से नहीं भटकोगे, अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। ये आपको तो पता होगा, लेकिन कुछ लोग क्या है वो चले जाते हैं। तो हमारे भाई से कुछ जानते हैं कि यहाँ मेहनत किस तरीके से मैंने करवाई, भाई ने किया मेहनत, और मेहनत करने के बाद वर्दी के बाद जो उनके घर वालों को खुद को अनुभव होगा, उसके बारे में हमारा भाई आपको जरूर बताएगा। बताओ भाई, नाम बताओ पहले तो, जोश से जो वर्दी का है सम्मान रखो। मैं विशाल यादव, मैं ग्राम पनिहारी का हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 7 या 8 महीने पहले आया था ट्रेनिंग के लिए। सर ने यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से मेरे को ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद मैंने रनिंग एक्सीलेंट मारी, जिला में पूरे 30 नंबर पे आया था रनिंग में। और उसके बाद फिर मेरे मेडिकल फिट हुआ, मेरे को टेस्ट क्लियर हुआ, उसके बाद फाइनल मेरिट में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे गया, ट्रेनिंग के बाद मैं आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। घर वाले कितने खुश हैं? घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। और घर में कितने भाई बहन हो? घर में मैं अकेला हूँ, मेरी एक छोटी सिस्टर है, पापा हैं, मम्मी हैं। अच्छा, और तुम अकेले भी हो फिर भी फौज में पहुंचा दिया? हाँ, घर वालों को बहुत अच्छा लगा, मैं अच्छा, अपने गांव का पहला फौजी हूँ। हाँ। बहुत बढ़िया। देखो एक या दो से नहीं होता है, देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए जुनून होना चाहिए। अगर आपके पास जुनून है और देश सेवा करने का आपने पैर ले लिया, तो आपको देश सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा। और ये वर्दी हर एक कंधों पर नहीं सजती है, एक वर्दी उन्हीं को मिलती है जो इसके काबिल होते हैं, जो इसकी मेहनत के काबिल होते हैं। और ये वर्दी सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है, किसी को जल्द मिल जाती है और किसी को बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, हमारी एकेडमी का नाम रोशन करना चाहते हैं, हमारे फौजी भाई अगर आप भी हमारी एकेडमी का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने सपनों को रोशन करना चाहते हो, अपने माता पिता के सपनों को रोशन करना चाहते हैं, तो मेहनत जोर से करो। आपको भी यहाँ वर्दी मिलेगी, आपका भी स्वागत होगा इस फूलमाला के तरह। जो भाई का हुआ ऐसा आपका भी होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपने लट कितने खाए ये बता दो। लट मेरे को यहाँ पर डेली के 10 से 15 पड़ते थे। डेली मक्कारी पे के फालतू में पड़ जाए मक्कारी पे। देखो लट जिसने खा लिया ईमानदारी से, वो तो बन गया कुछ। और अगर आप भी बनना चाहते हैं, तो एक बार फौजी अकेडमी जरूर आइए, आपको इस वर्दी के साथ विदा किया जाएगा, अगर आप अपने साथ ईमानदारी बैठते हैं। है कि नहीं है सर? तुम्हारे ग्रुप में कितने फौजी बने? हमारे ग्रुप में 13 से 14 फौजी बने। अच्छा, एक ही ग्रुप में? एक ही।